इंजिनटेंस में सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शहर बेंगलुरु में आज मुहर्रम का नौखन मनाया जा रहा है, जहां दोस्तों शहर बेंगलुरु के जगह जगह पर जो है पंजे बिठाए गए हैं, जहां पर बहुत से लोग जो है पंजों को मिलने के लिए यहां पर आ रहे हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं आशोखाना हुसैनी ट्रस्ट, जो ग्लास फैक्ट्री नागवारा के पास है। यहाँ पर एक ऐसा आस्थान है जहाँ पर आज नौखन के दिन पर जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है रोटियां रखी गई है, जिसमें अलग अलग तरीके की रोटी रखी गई है। और उसमें बताया जाता है कि इल्म की रोटी है, शादी की रोटी है, कारोबार की रोटी है, और अलग अलग तरीके की जो है यहाँ पर रोटियां रखी गई है। तो जो भी लोग मन्नत के लिए आते हैं वो यहाँ पर एक रोटी लेकर जो है खा लेते हैं, इस मन्नत से कि अगले साल तक जो है उनका कामयाबी हो जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सुनने को आई है कि ऐसा बहुत से बार हुआ है कि लोगों की मन्नत जो है यहाँ पर पूरी हो चुकी है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर रोटियां रखी गई है, कि रोटी और ये परेशानी की है, यहाँ पर शादी की है, औलाद के लिए है और कर्जदारी के लिए है। मतलब लोगों का अगर कर्ज है, किसी का कर्ज है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। और आजकल तो ऐसा हो चुका है कि लोग कर्जदारी की वजह से जो है सुसाइड करने की कोशिश कर लेते हैं या अपनी जान का जो है धोखे में डाल देते हैं। और यहाँ पर जो है मुहर्रम के वक्त जो भी इस नियत से आता है कि अगर मेरी कर्जदारी पूरी हो जाएगी और वो ये रोटी लेकर खा जाता है, तो अगले साल तक जो है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। इस तरह के यहाँ के लोगों का कहना है। बहरहाल यहाँ पे बहुत सी औरतें ऐसे भी आई हुई है जिसकी शादी जो है नहीं हुई थी, उन्होंने यहाँ पर शादी की रोटी खाई थी और इस मरतबा वो फिर से आई है उसी रोटी को रखने के लिए, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे यहाँ के जो सदर हैं जनाब अजमल से, और देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही बरकातहू। ये कम से कम 20-25 साल से तो आस्थाना है, आदमी भी इधर यहाँ आ रहे हैं। पुलिस का सपोर्ट सब कैसा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गोविंदपुर पुलिस इंस्पेक्टर और वहाँ के सब इंस्पेक्टर, वहाँ के जो भी ऑफिसर्स हैं उनका अच्छा कॉपरेट रहा और बहुत अच्छा ये रहा। दो साल कोरोना की इसी महामारी की कि कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही थी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कि वो कोरोना हो या कुछ भी हो, कार्रवाई जो होना है वो हुई, जोरों शानों से नहीं हुई, कम हुई, बहुत अच्छे हुई। उस टाइम पे भी अच्छी हुई, अभी भी अच्छी हुई, ऐसा कुछ नहीं। तो आवाम में कैसा आना है यहाँ पर, कैसा कंट्रोल में है कैसा? माशाल्लाह आवाम भी बहुत सपोर्ट कर रही है और बहुत अच्छे उनमें समझ है, समझदारी से चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी कोई भी ये नहीं है। तो तमाम इंसानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ से खिदमत के एतबार से? सवाम इनको मैं ये बोलना चाहता हूँ, बुजुर्गों ने दिन है तो हम है, वो नहीं तो हम नहीं। बस पंचतंत्र का सहारा आशिक जो रहेगा उसका कभी बुरा नहीं होगा, इंशाल्लाह उनका अच्छा ही होगा सबका। ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಇವ್ರ ಅಂತ ಭೇದ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ ಕಡೆ ಹಂಗೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು? ನಮ್ದು ಆಂಧ್ರ. ಇವ್ರ ಬಳ್ಳಾರಿ. ನಮ್ಮೂರ್ ಕಡೆನ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಇವಾಗಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ. ಏನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಆತದ. ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋಗಿ ನಮ್ಮೇ ದಿನ ಅಲ್ಲ